दोस्तों जीनियस, अगर मैं आपसे अगर अभी कहूँ कि कोई 5 वैज्ञानिक का नाम बताएं तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे, लेकिन आई एम वेरी श्योर जिस व्यक्ति का आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम आपके लिस्ट में होगा ही नहीं। दोस्तों यह व्यक्ति गणितज्ञ थे पर कभी भी इनकी लाइफ ने इनको साथ नहीं दे पाई, इनके भाग्य में शायद वो लिखा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत E=mc² को चुनौती दी थी। दोस्तों नासा का एक इंसिडेंट बहुत ही फेमस है, क्योंकि यह इंसिडेंट है कि जब वशिष्ठ नारायण सिंह नासा में काम करते थे तभी एक बार अपोलो की लॉन्चिंग होनी थी और उस लॉन्चिंग के वक्त लगभग कंप्यूटर खराब हो गए थे, तभी वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने उंगलियों पे कैलकुलेट करके बताया था और कुछ दिन बाद पता चला कि उनका और कंप्यूटर का रिजल्ट दोनों सेम था। तो चलिए इनके कहानी को थोड़ा हम शुरू से जानते हैं। इनकी कहानी तो वाकई ही एक संघर्षपूर्ण लाइफ थी। दोस्तों वशिष्ठ नारायण सिंह एक भारतीय गणितज्ञ थे। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल सन 1942 को बिहार के भोजपुर जिले में बसंतपुर नामक गांव में हुआ था। इनका परिवार आर्थिक रूप से गरीब था। इनके पिताजी पुलिस विभाग में कार्यकर्त थे। बचपन से ही वशिष्ठ नारायण सिंह में विलक्षण प्रतिभा थी और उनके पिताजी का नाम लाल बहादुर सिंह था और उनकी माता का नाम लहासो देवी थी। नेत्रहाट विद्यालय में वे पढ़ाई किया करते थे और वहीं से मैट्रिक की परीक्षा भी दी और उन्होंने पूरे बिहार में टॉप किया था और वे आगे चलकर पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की और उन्होंने सबसे कम उम्र में PhD करने का रिकॉर्ड बनाया, वो भी सिर्फ 19 साल में। कहा जाता है कि पटना साइंस कॉलेज में बतौर छात्र गलत पढ़ाने पर वह अपने गणित के अध्यापक को टोक देते थे। कॉलेज के प्रिंसिपल को जब पता चला तो उनकी अलग से परीक्षा ली गई जिसमें उन्होंने सारे अकादमिक रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 भाई बहनों के परिवार में आर्थिक तंगी हमेशा डेरा जमाए रहती थी, लेकिन इससे उनकी प्रतिभा पर गहरा नहीं लगा। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये फेमस कैसे हुए। तो वशिष्ठ नारायण सिंह जब पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन कैली की नज़र उन पर पड़ी। कैली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और सन 1965 में वशिष्ठ को अपने साथ अमेरिका ले गए। 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से गणित में PhD की और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बने। चक्रीय सदिश समिष्ट सिद्धांत पर किए गए उनके शोध कार्य ने उन्हें भारत और विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। इसी दौरान उन्होंने नासा में भी काम किया लेकिन मन नहीं लगा और 1971 में भारत वापस लौट आए। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में काम किया। 1973 में उनका विवाह वंदना रानी सिंह से हो गया। विवाह के दिन भी पढ़ाई के कारण उनकी बारात लेट हो गई थी। विवाह के बाद धीरे धीरे उनके असामान्य व्यवहार के बारे में लोगों को पता चला। छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोधित हो जाना, कमरा बंद कर दिन भर पढ़ते रहना, रात भर जागना उनके व्यवहार में शामिल था। इसी व्यवहार के चलते उनकी पत्नी ने जल्द ही उनसे तलाक ले लिया और आगे चलकर सन 1973 में उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा था। रांची में उनकी चिकित्सा हुई और 1987 में वशिष्ठ नारायण सिंह अपने गांव लौट गए थे। अगस्त 1989 को रांची में इलाज कराकर उनके भाई उन्हें बेंगलोर ले जा रहे थे। रास्ते में खंडवा स्टेशन पर उतर गए और भीड़ में कहीं खो गए थे। करीब 5 साल तक गुमनाम रहने के बाद उनके गांव के लोगों को वे छपरा में मिले। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी सुध ली, उन्हें राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां मार्च 1993 से जून 1997 तक इलाज चला। इसके बाद से वे गांव में ही रह रहे थे। इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने इसी बीच उनकी सुध ली थी। स्थिति ठीक नहीं होने पर उन्हें 4 सितंबर 2002 को मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। करीब 1 साल
दो महीने इलाज उनका चला। स्वास्थ्य में लाभ देखते हुए उन्हें वहां से छुट्टी दे गई थी। वे अपने गांव बसंतपुर में उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिछले दिनों आरा में उनकी आंखों में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह 44 साल से सिजोफोर्निया यानी कि भूलने की एक बीमारी है वो, जिससे कि वे जूझ रहे थे। जब वे नासा में काम करते थे तब अपोलो की लॉन्चिंग से पहले 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए। इसी दौरान उन्होंने कागज पर ही कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। जब कंप्यूटर ठीक हुए तो उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन बराबर था। यही वक्त था जब उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। और दोस्तों, सिजोफ्रेनिया कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट ही अच्छे से नहीं की गई। इनका देश ही इनका ख्याल नहीं किया, इनके बारे में नहीं सोचा, इतने बड़े गणितज्ञ होने के बावजूद भी, जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी चुनौती दी थी। दोस्तों, यह बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात पे लोगों को बुरा लग सकता है, थोड़ा सा निगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि आप बाहर जाके क्यों काम करते हो, आपके यहाँ काम नहीं है, और कहते हैं हमारे देश में टैलेंट टिकता क्यों नहीं, तो दोस्तों ये है उनकी जवाब, जिसका कि उनके देश ने ख्याल नहीं रखा और एक छोटी सी बीमारी के कारण उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया। और जब वे घर से भागे थे तो फिर वापस क्यों आते? कौन था उनका? जिस पत्नी से उन्होंने शादी किया उसने उन्हें छोड़ दिया। जिस पिता के खुशी के लिए हर बात को स्वीकार किया उन्होंने उनकी लाइफ से चले गए थे। ये पूरा देश ही काम नहीं आया तो वे वापस क्यों आते? वो सोचिए थोड़ा सा कि वे अपनी खुद की दम पर उतना बड़ा सक्सेस हासिल किए और फिर ऐसे गुमनाम जीवन जीने पर मजबूर हो गए। और दोस्तों, बेंगलुरु में डॉक्टर ने इन्हें अमेरिका या तो घर पर रखने का सजेशन दिया और फिर फाइनेंशियल के चलते यानी पैसे के चलते इनको वापस गांव लाया गया। और वशिष्ठ नारायण सिंह जो कभी किताब पे लिखा करते थे तो कभी कॉपियों पे लिखा करते थे, कुछ ना कुछ हमेशा लिखा करते थे फॉर्मूले को या कुछ भी मैथ के कैलकुलेशन को, और जब लोग पूछते थे कि आप कर क्या रहे हो तो वे जवाब देते थे कि हम पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसा वे कहा करते थे। लेकिन एनीवे, उनका 14 नवंबर को यानी बाल दिवस को उनका देहांत हो गया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि एक इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, एक महान गणितज्ञ का देहांत हो गया, जो कि हमारे देश को छोड़कर चला गया। और दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में अभी बायोपिक की ट्रेन चल रही है, एक मतलब एक्सप्रेसवे जा रही है कि आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर, पॉलिटिशियन पे बायोपिक बन रही है। अच्छी बात है, बननी चाहिए, लेकिन इन लोगों के जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, क्यों? और दोस्तों, उनके परिवार का एक अपील है जो कि बरसों से करते आए हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह को एक बार भारत रत्न मिले, लेकिन अब वशिष्ठ नारायण सिंह को तो भारत रत्न मिल नहीं पाया, लेकिन हो सके तो उनके परिवार को मिलना चाहिए और मिलने ही चाहिए। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि उनके परिवार को भारत रत्न मिले, क्योंकि उनके परिवार ने इस बात का जिक्र किया है और इसके लिए अपील भी की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।